नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोगों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में कुछ एक मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें माँ काली, शंकर पार्वती और नरसिंह भगवान का मंदिर है। अन्नकूट महोत्सव पर माँ अन्नपूर्णा का स्वर्ण प्रतिमा एक दिन के लिए भक्त दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी का संबंध उज्जैन के हर सिद्ध मंदिर से भी माना जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर में आदि शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा श्रोत रचना कर ज्ञान वैराग्य प्राप्ति की कामना की थी। माता अन्नपूर्णा का मूल स्थान वैसे तो काशी में है, जहां वे विश्वभुजा गौरी अथवा आदि अन्नपूर्णा के रूप में शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। उसी माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर भी है। 6 दशक पूर्व यानी 1959 में ब्रह्मलीन स्वामी प्रभानंद गिरी जी महाराज ने इंदौर शहर से बाहर माता अन्नपूर्णा के मंदिर की स्थापना की थी। बताया जाता है तब यह सघन वन और कृषि क्षेत्र था। अन्नपूर्णा का नगर इसीलिए तो अपनी खान पान की रिवायत के लिए पहचाना जाता है। यह वो शहर है जहाँ व्यक्ति भूखा हो तो उठता है, मगर भूखा सोता नहीं है। जब लोग अपनी जान की चिंता छोड़ कोरोना महामारी के दौर में जरूरतमंदों की रोटी का इंतजाम कर रहे थे, बहरहाल इंदौर पर सर्वाधिक कृपा बरसाने वाली माता का आंगन एक नए अंदाज में श्रृंगारित हो रहा है। माँ के आंगन को 3 राज्य के कलाकारों द्वारा सजाया जा रहा है। इस काम में 2 साल लगेंगे और नव श्रृंगार और विस्तार में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। बीते 60 सालों में अन्नपूर्णा मंदिर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शुमार हो चुका है। गुंबदों पर की गई नक्काशी और धार्मिक पौराणिक कथाओं को दर्शाती मूर्तियां मंदिर को एक अलग पहचान दिलाती हैं। अन्नपूर्णा का स्थान है लिहाजा काशी के नरेश बाबा विश्वनाथ भी यहां विराजे हैं। अन्नपूर्णा आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी और उनके परम शिष्य स्वामी जयेंद्रानंद गिरी जी के मार्गदर्शन में आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से शैक्षणिक और परामार्थिक कार्य बरसों से जारी है। कभी अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर विशाल मेला लगा रहता है। मां के विराजने के बाद यह वन क्षेत्र कब सघन रिहायशी इलाके में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। इन दिनों अन्नपूर्णा आश्रम के नव निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मार्बल के 50 स्तंभों पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसकी ऊंचाई जमीन से 81 फीट रहेगी। ओडिशा के 32 कलाकार यहां दीवारों पर चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने हाथों से उकेर रहे हैं। खास बात यह है कि निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं हो रहा है। सभी मंडप में नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों की मूर्ति उकेरने का तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह चबूतरे पर महाभारत काल की कृष्ण लीलाओं का शिल्पांकन किया जा रहा है। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई संस्कृति को लेकर, एक नई पर्व को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।